अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे ज्योमेट्रिक सीरीज और इसके बाद फिर हम इनफिनाइट सीरीज को डिस्कस करेंगे और आज हमारा लेक्चर नंबर 16 है, एक्सरसाइज 4.7, चैप्टर नंबर 4। स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। फाइंड द सम टू एंड टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। पहला जो सीरीज हमारे पास गिवन है वो है 1 प्लस ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, यानी कि इसको हमें सम टू एंड टर्म हमें फाइंड करना है। अब सबसे पहले हमें तो ये देखना होगा कि ये कौन सा सीक्वेंस है। अभी फिलहाल चूंकि हम जीपी पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब हमें जीपी पे ही काम करना है, लेकिन पहला टर्म है 1, दूसरा टर्म है a प्लस बी और तीसरा टर्म हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इट मीन्स अभी फिलहाल ये जीपी हमारे पास नहीं है। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में नंबर्स के बारे में पढ़ा था कि हम नंबर्स को किस तरह जीपी बनाते हैं, यहां पर भी पहले हमें क्या करना होगा, इस चीज को जीपी बनाना होगा। तो जीपी बनाने के लिए आपके पास यहाँ पर a प्लस बी है, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है। अगर आप देखें a प्लस बी के साथ a माइनस बी आ जाए तो ये फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। सिमिलरली यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, अगर इसके साथ भी a माइनस बी आ जाए तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। इट मीन्स हमें क्या करना है, यहाँ पर a माइनस बी चाहिए। तो a माइनस बी लाने के लिए मैं क्या करूंगा, a माइनस बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दूंगा और फिर इस ऊपर वाले a माइनस बी को इस पूरे टर्म से मैं क्या करवाऊंगा, मल्टीप्लाई। तो हमारे पास शुरू में बच जाएगा 1 अपॉन a माइनस बी और a माइनस बी जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो होगा a माइनस बी, जब इससे होगा तो a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी। सिमिलरली जब लास्ट टर्म से होगा थर्ड टर्म से तो ये हो जाएगा ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब आपको फॉर्मूला याद होगा कि ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, और ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ये बराबर होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब के। ठीक है, अब आपको दिख रहा है ये करने के बाद एक पॉजिटिव है a, ए स्क्वायर ए क्यूब एक पॉजिटिव सीरीज है और एक b, b स्क्वायर b क्यूब एक नेगेटिव सीरीज है। इन दोनों को आप अलग कर लो, पॉजिटिव वाले को अलग लिख दो और नेगेटिव वाले को आप अलग लिख दो और साथ ही साथ आप माइनस साइन कॉमन निकाल लो और इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 1। अब ये हमारे पास जीपी है तो हम क्या करेंगे, कंसीडर पहले हम a के लिहाज से सम फाइंड करेंगे। सो हियर a इक्वल टू a, a प्राइम इससे लगाया ताकि डिफरेंस हो जाए। r फाइंड करने के लिए आप सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म करोगे तो r भी आपका किसके बराबर हो जाएगा, a के। सम का फॉर्मूला आप पढ़ चुके हो, a मल्टीप्लाई बाय r की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय r माइनस 1। तो मैंने क्या किया, इन वैल्यूज को डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दिया तो ये हमारा हो गया sn। सिमिलरली फिर हम क्या करेंगे, b के लिहाज से फाइंड करेंगे, बिल्कुल सेम काम, बस a की जगह पर आपके पास क्या आ जाएगा, b। अब मैंने इन दोनों का सम फाइंड कर लिया, अब इन दोनों के सम को मैं पुट कर दूंगा इक्वेशन नंबर 1 में। तो 1 अपॉन a माइनस b वैसी रहा, a सीरीज का सम हमारे पास इसके बराबर है माइनस, और b सीरीज का सम हमारे पास ये रहा गिवन है, तो ये हमारे पास क्या हो गया फाइनल आंसर। सिमिलरली इसका जो नेक्स्ट पार्ट है आपके पास r प्लस 1 प्लस के आर स्क्वायर प्लस 1 प्लस के प्लस के स्क्वायर आर क्यूब। ठीक है, अगेन इसको जीपी बनाने के लिए अगर 1 प्लस के साथ 1 माइनस के आ जाए तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। सिमिलरली 1 प्लस के स्क्वायर के साथ अगर 1 माइनस के आ जाए तो ये भी हमारा क्या बन जाएगा, फॉर्मूला। तो मैं क्या करूंगा, 1 माइनस के लाने के लिए पहले 1 माइनस के से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दूंगा। अब इस 1 माइनस के को मैं ऊपर मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो हमारे पास बन जाएगा 1 माइनस के इंटू आर, 1 माइनस के मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस के इंटू आर स्क्वायर। सिमिलरली 1 माइनस के, अब आपको दिख रहा है कि ये आपके पास बन रहा है फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, और ये भी फॉर्मूला बन रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। फॉर्मूला बना दो
और फॉर्मूला बनाने के बाद आप आर को मल्टीप्लाई करवा दो, तो आपके पास बन जाएगा आर माइनस आर के प्लस आर स्क्वायर माइनस के स्क्वायर आर स्क्वायर। तो एक पॉजिटिव सीक्वेंस आपके पास बन रहा है और एक आपके पास क्या बन रहा है, नेगेटिव सीक्वेंस। इन दोनों को आप अलग कर दो। अलग करने के बाद आप दोनों का अलग अलग सम फाइंड कर लो। तो सबसे पहले कंसीडर आर, हेयर ए इक्वल टू आर और आर इक्वल टू आर के बराबर होगा, जैसे इन दोनों को आप डिवाइड करवाओगे तो उसका आंसर क्या आएगा, आर। सम का फॉर्मूला आपको पता है, तो जहां जहां पर आपके पास यहां आर होगा और जहां जहां पर आपके पास आर है तो आर तो आर के बराबर रहेगा, बस एक ही जगह पे आप क्या करो, आर पुट कर दो। तो ये हो गया आपके पास ये सम। सिमिलरली आप इस सब का सम निकाल लो, तो कंसीडर हेयर ए बराबर है आर के और आर प्राइम किसके बराबर होगा, आर के। जैसे बात जब इन दोनों को आप डिवाइड करवाओगे तो स्क्वायर से के कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ के आर या फिर आर के आपके पास बच जाएगा। सेम ये आपके पास फॉर्मूले में आप पुट कर दो तो ये इसका सम हो जाएगा और इन दोनों सम को आप इक्वेशन नंबर वन में पुट कर दो। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है, इफ ए एन इक्वल टू वन अपॉन फोर की होल पावर एन देन फाइंड इट्स सम अप टू एन टर्म। आपको क्या करना है, इसका सम फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन हमें गिवन है ए एन इक्वल टू वन अपॉन फोर की होल पावर एन, चूंकि एन टर्म में सम फाइंड करना है तो हमें एन की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ ए और आर की जरूरत है, ठीक है। तो यहां पर हमें एक जनरल टर्म गिवन है कि ए एन किसके बराबर है, वन अपॉन फोर की पावर एन के। तो इस जनरल टर्म से हम सबसे पहले फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म निकाल लेंगे। तो फर्स्ट टर्म के लिए हम क्या पुट करते हैं, एन इक्वल टू वन, तो ए वन हमारा किसके बराबर हो जाएगा, वन अपॉन फोर के। फिर इसी तरह हम क्या करेंगे, सेकेंड टर्म फाइंड करने के लिए एन इक्वल टू टू पुट कर देंगे तो ए टू हमारा किसके बराबर हो जाएगा, वन अपॉन सिक्सटीन के। और हम जानते हैं जब हम सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करवाते हैं तो हमारे पास क्या आता है, आर। तो वन अपॉन सिक्सटीन डिवाइड बाय वन अपॉन फोर, इस तरह जो हमारे पास आर है वो किसके बराबर हो जाएगा, वन अपॉन फोर के। और ए वन जो बेसिकली वो हमारा ए के ही बराबर होगा क्योंकि फर्स्ट टर्म को हम क्या कहते हैं, ए। अब हमारे पास ए और आर मौजूद है तो सम का फॉर्मूला हमारे पास आप जानते हो, उसको हम पढ़ चुके हैं। आप वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दो, यहां पर आप एलसीएम लो, बेसिक सिंप्लीफाई है जिस तरह आप कर सकते हो। तो फोर वन दा फोर और फोर माइनस थ्री हमारे पास क्या होता है, थ्री अपॉन फोर, वन अपॉन फोर वैसी रहा। इस वन अपॉन फोर की होल पावर एन को आप लिख सकते हो वन अपॉन फोर की पावर एन, ठीक है। फिर आप मजीद यहां पर सिंप्लीफाई कर लो तो इस तरह ये आपका फोर से फोर कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ नीचे बच जाएगा थ्री, और यहां पर जब एलसीएम लोगे तो फोर की पावर एन माइनस वन डिवाइड बाय फोर की पावर एन। अब इस फोर की पावर एन को हम थ्री से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज। अब हमें क्या करना है, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का फाइंड कर सम फाइंड करना है, यानी कि इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का मतलब है यहां पर हमें एन का काम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ए और आर हमें चाहिए। तो ये हमें सीक्वेंस गिवन है, सीक्वेंस का पहला टर्म हमारा क्या होता है, ए, यानी कि ए किसके बराबर होगा, वन अपॉन फाइव के। आर फाइंड करने के लिए हम सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करवा देंगे तो आर भी किसके बराबर हो जाएगा, वन अपॉन फाइव के। सिमिलरली इन्फाइनाइट सीरीज का सम का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, ए अपॉन वन माइनस आर या फिर ए अपॉन आर माइनस वन, ठीक है। सेम कंडीशन, अगर आर वन से छोटा है तो वन माइनस आर, अगर आर वन से बड़ा है तो आर माइनस वन। तो आप वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करो और नीचे आप एलसीएम लो तो वन माइनस वन अपॉन फाइव का एलसीएम होगा फाइव माइनस वन अपॉन फाइव, ये फाइव से फाइव हो गया कैंसिल, और 5 माइनस वन कितना होता है 4, तो इसका आंसर क्या हो गया, 1 अपॉन 4। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास, हेयर ए इक्वल टू 1 अपॉन 2 आर इक्वल टू 1 अपॉन 4 डिवाइड बाय 1 अपॉन 2, इसका किसके बराबर होगा, 1 अपॉन 2 के। तो एस इन्फिनिटी बराबर है ए अपॉन 1 माइनस आर के, नीचे आप एलसीएम लो 1 माइनस 1 अपॉन 2 आपका बराबर होगा 2 माइनस 1 अपॉन 2, 2 से 2 आपका हो गया कैंसिल, ऊपर भी वन बचेगा और नीचे भी टू माइनस वन वन बचेगा, तो वन अपॉन वन कितना होता है, वन। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है, यहां पर अगेन ए बराबर होगा किसके, नाइन अपॉन फोर के। आर फाइंड करने के लिए सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, इसको मैंने क्या किया है, सिम्प्लीफाई, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई होगा, तो
तो 9 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 3 ये बराबर हो जाएगा 3 अपॉन 2 के। इसको आप इन सम के फॉर्मूले में पुट कर दो और नीचे आपने एलसीएम लिया और सिंप्लीफाई करने के बाद बेसिक आपके पास इसका आंसर हो गया -18। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।